अस्सलामुअलैकुम आदाब। रेडियो थॉट के इस नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। तो आज का रेडियो थॉट रहेगा ई बैंकिंग फ्रॉड ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन में होने वाले इलीगल एक्टिविटीज़ को रेफर करता है। साइबर क्रिमिनल्स, फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स, मॉलवेयर और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ई बैंकिंग फ्रॉड अटैम्प्ट करते हैं। फ्रॉड से लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक अकाउंट नंबर्स को चुरा कर उनका इस्तेमाल करते हैं। ई बैंकिंग फ्रॉड से लोगों का पैसा चोरी हो सकता है और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लोगों को अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रेगुलर अकाउंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने सिस्टम्स और सिक्योरिटी मेजर्स को रेगुलरली अपडेट करते हैं ताकि ई बैंकिंग फ्रॉड से बचा जा सके। अगर किसी को ई बैंकिंग फ्रॉड का शक हो तो उन्हें चाहिए कि वो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करे और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। तो आखिर में आपको एक कॉमन और बेसिक सी चीज़ बोलूँगा, जब भी अननोन नंबर से कॉल आए उनके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें और खास करके ओटीपी ना दें। मेरा नाम है आरजे, अभी फिर से आऊँगा मैं एक नए रेडियो थॉट के साथ। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।